हमारे देश में कुल आबादी का एक तिहाई यानी लगभग 40 करोड़ लोग वर्ष में किसी न किसी समय माइग्रेशन करके काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। वहीं लगभग 10 करोड़ लोग पूरे वर्ष भर, या ये कहें कि लगातार वर्षों तक माइग्रेशन की जिंदगी बिताते हैं। इसमें बड़ी संख्या में माइग्रेशन करने वाले मजदूर होते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने के लिए जाते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है स्थानीय स्तर का कोई भी KYC डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं होता है, जिसकी सहायता से वे अपना बैंक अकाउंट खोल सके। इसके लिए उनको अपने शहर में खोले गए खाते पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस खाते में भी वो एनीवे बैंकिंग के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, किंतु बैंकों में लिमिटेड काउंटर और कार्य के कुछ ही घंटे होने के कारण इसका सीमित उपयोग ही है। साथ ही यहाँ जाकर पैसा भेजने का मतलब है उनको काम से छुट्टी लेनी होगी, और छुट्टी है तो वेतन भी गंवाना पड़ेगा। इन लोगों के लिए डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस सिस्टम बहुत ही फायदेमंद है। ठीक यही बात अध्ययन के लिए अपने घरों से दूर आकर रहने वाले छात्र छात्राओं के साथ है। वे भी बिना किसी समस्या के इस माध्यम से अपने घर से पैसा मंगवा सकते हैं। देखने में तो ये भी आ रहा है कि कुछ व्यापारी लोग तक अपने समय की बचत के लिए बैंक जाने के बजाय अपने आसपास के डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस सिस्टम को यूज करने वाले रिटेलर्स के माध्यम से उसी शहर में स्थित अपने बैंक खाते में पैसा भेज रहे हैं। माइग्रेंट मजदूरों पर बिल गेट्स फाउंडेशन ने साल 2011 में एक रिसर्च कर पाया कि माइग्रेंट मजदूरों का एक हिस्सा अपनी राशि भेजने में हवाला मार्केट का सहारा लेना होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए हवाला के माध्यम से भेज रहा है तो उसे तकरीबन 92 रुपए इस पर खर्च करने पड़ रहे हैं, जो भेजे जाने वाली राशि का 4.6% है। इस सुविधा को लगभग 57% माइग्रेट लेबर उपयोग में ला रहे हैं। वहीं इंडिया पोस्ट की मनी ऑर्डर में उसे 5% चार्ज देना पड़ता है। इसको 13% लोग यूज करते हैं। वहीं बैंकों से 3% चार्ज के साथ राशि भेजने की सुविधा है, मगर बैंकों के माध्यम से केवल 30% लोग ही पैसा भेज रहे हैं। इसका मुख्य कारण ब्रांचों का दूर होना और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी एक मुख्य कारण है। वहीं ब्रांचों में बहुत ज्यादा भीड़ और समय की बर्बादी भी मुख्य कारण है। इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया है डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस सिस्टम। माई रिचार्ज का हर रिटेलर अब बैंक की तरह काम कर सकता है और आने वाले ग्राहक के पैसे मिनटों में भेज सकेगा। इसके लिए जरूरी है हमारे पूरे मनी रेमिटेंस सिस्टम को समझना और एक्टिवेट करना। खास बातें जो मनी रेमिटेंस को विशेष बनाती है। नंबर 1, किसी भी समय 2400 घंटे सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन इस माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है। कोई बैंकिंग के घंटे नहीं है। नंबर 2, IMPS के माध्यम से इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर, यानी इधर से ग्राहक का ट्रांसफर हुआ और उधर सामने वाले के खाते में क्रेडिट। नंबर 3, हर रिटेलर की जेब में बैंक सुविधा, ग्राहक को ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 4, ग्राहक को कोई बैंक खाता रखने की जरूरत नहीं, ना ही कोई न्यूनतम बैलेंस का झंझट। जब आए पैसा लेकर आए और मिनटों में रेमिटेंस कर दिया। नंबर 5, ग्राहकों को बिना इंटरनेट के भी माई रिचार्ज रिटेलर के माध्यम से एकदम इंटरनेट बैंकिंग जैसी किसी भी समय पेमेंट भेजने की सुविधा। नंबर 6, देश में लगभग 90% बैंकों को पेमेंट भेजने की सुविधा। नंबर 7, बहुत ही कम कमीशन चार्ज पर सुविधा। अगर अन्य माध्यमों को देखा जाए तो बैंक निफ्ट
2-3%, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर 5% और दूसरे अन्य माध्यम भी काफी खर्चीले व जोखिम भरे होते हैं, जबकि यहाँ ग्राहकों को भेजे गई राशि का तुरंत उसके मोबाइल पर ही कंफर्मेशन, यानी बेहद सुरक्षित। नंबर 8, अगर 5,000 तक एक बार में राशि भेजनी है तो ग्राहक को किसी भी प्रकार की KYC करवाने की जरूरत नहीं। अकाउंट रजिस्टर करके मात्र 5 मिनट से भी कम समय में राशि भेजने की सुविधा। 1 माह में 10,000 तक बिना KYC पेमेंट भेजने की सुविधा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि माई रिचार्ज का रिटेलर अनलिमिटेड ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है और हर ग्राहक हर खाते में प्रति माह 10,000 तक की राशि भेज सकता है। रिटेलर पर किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट ग्राहक पर है जो राशि भेज रहा है, वो भी अलग अलग 8 खातों में 10,000 तक प्रति अकाउंट राशि भेज सकता है। नंबर 9, कैश लाने ले जाने से एकदम मुक्ति, किसी भी प्रकार की लूट या खोने की संभावना नहीं। अब आइए आपको बताते हैं मनी रेमिटेंस काम कैसे करता है। आपकी रिटेलर आईडी में टॉप अप रिचार्ज के ठीक बाद मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें मनी रेमिटेंस ऑप्शन में जाएं। यहाँ रिटेलर को सबसे पहले खुद की KYC करवानी है। KYC के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक को अपलोड करना है। ध्यान रहे, इसके दोनों तरफ की स्कैन एक ही पेपर पर लेकर अपडेट करना है। आपकी KYC अधिकतम 24 घंटे में वेरीफाई हो जाएगी। ये भी ध्यान रहे कि आपको एकदम साफ और अच्छी तरह समझ में आने वाले डॉक्यूमेंट की कॉपी ही अपडेट करनी है, अन्यथा उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एक बार जब आपकी KYC हो जाती है तो मनी ट्रांसफर के लिए आने वाले ग्राहक का अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको आने वाले कस्टमर का मोबाइल नंबर डालकर चेक करना है कि क्या वो सिस्टम पर रजिस्टर है या नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इसको सावधानी पूर्वक भरे। फॉर्म में जहां मैंडेटरी है उसे पूरा भरे और बाकी को खाली छोड़ दे। प्रीव्यू में चेक करे कि सब सही है तो सबमिट बटन दबाएं। फॉर्म सबमिट होते ही नया कस्टमर रजिस्टर हो जाएगा और उसका अकाउंट बन जाएगा। इसका एक कंफर्मेशन SMS ग्राहक को हमारे टेक्निकल बैंकिंग पार्टनर MRupee से प्राप्त होगा, जिसमें उसके अकाउंट की भी जानकारी दी जाएगी। अगर ये ग्राहक पहले से ही रजिस्टर है तो मनी रेमिटेंस ऑप्शन में मोबाइल नंबर डालते ही उनका मोबाइल और अकाउंट डिटेल्स सामने आ जाएंगे। प्रत्येक नया यूजर ग्राहक रिटेलर नहीं, अपने लॉगिन में 8 बैंक अकाउंट्स को पैसा भेज सकता है, यानी 8 बेनिफिशियरी ऐड कर सकता है। अगर उसे इससे ज्यादा लोगों को पैसा भेजना है तो उनको कोई पुराने बेनिफिशियरी को डिलीट करना होगा, जो माई रिचार्ज के रिटेलर अपने पैनल में कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रिटेलर अनलिमिटेड ग्राहकों के अपने यहाँ अकाउंट बना सकता है, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए ऐड बेनिफिशियरी ऑप्शन देखें। जैसे ही आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे आपके सामने ये डिटेल्स आएंगी जिसे आपको भरना है। सारी जानकारी भरने के बाद खाता ऐड करके OTC के लिए बटन दबाएं। ऐसा करते ही ग्राहक के मोबाइल पर एक कोड आएगा जिसे यहाँ फॉर्म के नीचे खुले बॉक्स में डालना है। कोड डालकर कंफर्म करते ही नया बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी में ऐड हो जाएगा। मनी रेमिटेंस कैसे करें? जब बेनिफिशियरी बन जाएगा तब आप यानी रिटेलर मनी रेमिटेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पैसा भेजने के लिए ग्राहक से पैसा और उसका सरचार्ज लेंगे। इसका एक SMS ग्राहक के मोबाइल पे आएगा। वो जितना पैसा भेजना चाहते हैं वो बॉक्स में डालें। ये रिटेलर के ई वॉलेट से कटेगा। सक्सेस होते ही पुनः ग्राहक के मोबाइल पर सक्सेस का SMS आएगा। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर सक्सेस SMS आएगा और रिटेलर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी इसका एक SMS जाएगा जिसमें पूर्ण जानकारी आएगी। ध्यान रहे, आपको सिर्फ भेजी जाने वाली राशि ही डालनी है, उसका सरचार्ज नहीं। ये अपने आप आपके ई वॉलेट से भेजने वाली राशि के साथ ही कट जाएगा। इस प्रकार माई रिचार्ज के माध्यम से ये राशि कुछ ही मिनटों में ग्राहक अपने चाहे गए अकाउंट में ट्रांसफर करा पाएंगे। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए रिटेलर्स को अपने ई वॉलेट में हर समय ज्यादा पैसा डालकर रखना है।
और अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी देनी है कि आपके मोबाइल में वो जादू की छड़ी है जिससे कुछ ही मिनटों में आप किसी का भी पैसा भेज सकते हैं। सुविधा कहां उपलब्ध होगी? प्रारंभ में ये सुविधा रिटेलर आईडी में मनी ट्रांसफर ऑप्शन में उपलब्ध होगी और बहुत जल्दी इसको एप्स पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा।